एवरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। कियारा अडवाणी को है कबीर सिंह जैसे आशिक का इंतजार। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कबीर सिंह के प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर भी लीड रोल में हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान कियारा ने बताया, शाहिद कपूर के साथ मेरी रोमांटिक जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच बताऊं तो हमने इस केमिस्ट्री को दिखाने के लिए किसी तरह की कोई मेहनत नहीं की है। कियारा ने आगे कहा कि उनकी लाइफ में भी प्यार था, उनका भी ब्रेकअप हुआ था। हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने के लिए कियारा ने भी रोना धोना किया, घर से कई दिनों तक बाहर नहीं निकली थी। कियारा कहती हैं कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो अपनी एक अलग दुनिया में होते हैं, अपनी पहचान भी भूल जाते हैं, लेकिन इस समय मैं किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं हूं और असल जिंदगी में कबीर सिंह जैसे आशिक का इंतजार है। फिल्म पानीपत में सकीना बेगम का रोल करेंगी जीनत अमान। दिग्गज बॉलीवुड अदाकारा जीनत अमान लंबे वक्त बाद फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगी। वो आशुतोष गोवारिकर की मच अवेटेड मूवी पानीपत में कैमियो रोल में दिखाई देंगी। पानीपत में अर्जुन कपूर, कृति सेनन और संजय दत्त अहम रोल में हैं। आशुतोष के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म तीसरे पानीपत युद्ध पर बेस्ड है। फिल्म में जीनत अमान के रोल पर बोलते हुए फिल्म मेकर ने बताया, जीनत जी पानीपत में कैमियो रोल में दिखेंगी, उनके कैरेक्टर का नाम सकीना बेगम होगा। इस हफ्ते के अंत में वो पानीपत के लिए शूट करेंगी। फिल्म आर्टिकल 15 का रोमांटिक गाना हुआ रिलीज। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 का रोमांटिक ट्रैक रिलीज हो गया है। गाने के बोल हैं नैना ये। इस गाने को आयुष्मान खुराना और ईशा तलवार पर फिल्माया गया है। गानों को यासीर देसाई और आकांक्षा शर्मा ने गाया है। रश्मि विराग के लिरिक्स हैं। पीयूष शंकर ने इस गाने का म्यूजिक कंपोज किया है। गाने को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को गाना पसंद तो आ रहा है, लेकिन कुछ यूजर कह रहे हैं कि इस गाने का म्यूजिक अदनान सामी के तेरा चेहरा से मिलता जुलता है। फिर भी गाने को सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, रीमेक सुन सुनकर बोर हो रहे थे, कुछ नया सुनकर अच्छा लगा। गाने में आयुष्मान खुराना और ईशा की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। पूनम ढिल्लन की बेटी बन चुकी है इंटरनेट सेंसेशन। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन की बेटी पलोमा ठकेरिया ढिल्लन खूबसूरत फिगर और माँ पूनम जैसी दिखने के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा पलोमा का स्टाइल गेम भी काफ़ी सही है, जिसकी वजह से उनकी बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। अब पलोमा हम सभी को फिटनेस के लिए मोटिवेशन दे रही हैं। पलोमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्ट्रेचिंग करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं, जो काफ़ी अच्छी हैं। 24 साल की पलोमा सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं। इंस्टाग्राम पर पलोमा के लगभग 33,000 फॉलोअर्स हैं और उनकी दोस्ती बॉलीवुड के बाकी स्टार किड्स के साथ भी है। पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा ने मुंबई के जमुना बाई नर्सी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। वो अपनी फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखती हैं और योगा करना पसंद करती हैं। इसके अलावा वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। बैडमिंटन प्रैक्टिस के बाद सो गई परिणीति चोपड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा सायना नेहवाल की बायोपिक में काम करती नजर आएंगी। फिल्म के लिए वो कड़ी मेहनत कर रही हैं। परिणीति घंटों तक बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रही हैं ताकि सानिया की गेमिंग स्किल्स, खेलने का तरीका और बाकी चीज़ों को कॉपी कर सकें। किरदार में घुसने के लिए परिणीति कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में से पहली तस्वीर में परिणीति बैडमिंटन खेलती और दूसरी तस्वीर में बैडमिंटन कोर्ट पर ही थक कर सोती नजर आ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के कैप्शन में परिणीति ने यह भी बता दिया कि फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। वरुण धवन बोले, फिल्म कलंक चलने लायक थी ही नहीं। लगातार 11 हिट फिल्में देने के बाद वरुण धवन की कलंक बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। वरुण ने कहा, जनता को कलंक पसंद नहीं आई, ये मेरे लिए एक सीख है, मैंने इसे सीखा है। कई बार कुछ चीज़ें ठीक काम नहीं करती हैं और नतीजा ये होता है कि सब कुछ गलत हो जाता है। ये पहली बार है जब मैं एक फेल्योर से गुजरा हूँ और इससे मैं प्रभावित हुआ। अगर प्रभावित नहीं हुआ होता तो इसका मतलब ये होता कि मुझे अपनी फिल्मों से ही प्यार नहीं है, मुझे मौत की लकीर तक अपनी फिल्मों से प्यार है। शाहिद कपूर को डेट करना चाहते हैं अपार शक्ति खुराना। अभिनेता अपार शक्ति खुराना ने कहा है कि अगर उन्हें समान लिंग के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहना हो तो वो कबीर सिंह के अभिनेता शाहिद कपूर के साथ रहना पसंद करेंगे। एक बयान के मुताबिक अपार शक्ति ने अपनी इच्छा जूम के शो बाय इनवाइट ओनली के दौरान जाहिर की। शो में प्रश्नों के क्विक राउंड में अपार शक्ति ने खुलासा किया कि अगर उन्हें समान लिंग के किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ता है तो वो शाहिद को चुनेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उनका ड्रेसअप बहुत पसंद है, उनका स्टाइल पसंद है,
मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज पसंद है, वो मुझे 25 के लगते हैं। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि डेट पर जाने के लिए अगर कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट में से किसी को मना करना पड़ा तो आप किसे मना करेंगे, इस पर अपार शक्ति ने कहा कि मैं आलिया के सामने कैटरीना को मना कर दूंगा। पिंक टॉप में शिल्पा शेट्टी का योगासन। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी को जुहू स्थित किनारा बंगलो में स्पॉट किया गया। 21 जून को होने वाले योगा डे के सिलसिले में पहुंची शिल्पा पिंक टॉप में नजर आई। इस मौके पर शिल्पा ने अलग अलग योगासन भी दिखाए। उन्होंने योगा के कई आसन सरल तरीके से बताए। इससे पहले शिल्पा ने सूरत में लोगों को योगा के टिप्स दिए थे। शिल्पा अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सख्त है। उनके डेली रूटीन में योगा अनिवार्य रूप से शामिल है। इन दिनों रियलिटी शोज में नजर आने के अलावा शिल्पा अपना कुकरी शो भी चलाती हैं। इस शो में शिल्पा खाने की रेसिपीज को हेल्दी अंदाज में बताती हैं। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।